राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारियों ने राजस्थान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह ने बताया कि हमारी मुख्य मांग 3600 ग्रेड पे करना है। इसके साथ ही जो ग्राम विकास अधिकारी ने अपने जिले में काम करना चाहते हैं उनका वहीं पर ट्रांसफर करने की मांग भी संघ की ओर से उठाई गई है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि 5 सूत्रीय मांग को लेकर राजस्थान सरकार से लिखित समझौता हो चुका है, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इन्हीं मांगों को पूरा कराने के लिए पिछले 2 माह से आंदोलन किया जा रहा है। धरना दिया है हमारी जो मांग है वो 5 सूत्री मांग पत्र पर राजस्थान सरकार से हमारा लिखित समझौता हो रहा है। उसके तहत हम लगभग 2 महीने से आंदोलन पर है। इससे हमारे आंदोलन से जहाँ तक लिखित में समझौता होने के आदेश जारी नहीं होते तब से पूरे जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का काम पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पूरे जिले में बंद है और पूरा भुगतान जो निर्माण विकास कार्य करोड़ों रुपए के MPLAD सारी योजनाओं के MLAD MPLAD डांग योजना समस्त प्रकार के साफ सफाई सब विकास कार्य रुके हुए हैं। अभी तक जो कोई भी भुगतान हमारा साथी नहीं करा और मरे रहेगा योजना का भी हमारा बहिष्कार है सारे कार्य। इनके मांग ये है कि अंतर जिला स्थानांतरण खोला जाए जो हमारे बाहर के अन्य एक बार शिथिलता दी जाए। अन्य जिलों से जो बच्चे दूसरे जिले में कार्यरत हैं उनको उनके जिले में भेजने की रियायत दी। दूसरी हमारी मांगे कि हमारे समकक्ष कार्मिकों को 3600 पे ग्रेड दिया जा रहा है तो 3600 जहाँ तक नहीं दिया जाएगा संघ का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से इन मांगों पर लिखित समझौता नहीं हो जाता तब तक गांवों में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के काम पूरी तरह से बंद हैं। इसके साथ ही सभी विकास कार्य भी पूरी तरह से रुके हुए हैं। वहीं संघ ने सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि 9 दिनों में मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पंजाब केसरी से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।